हमारी अर्थ, अंतरिक्ष में घूमता हुआ एक नीला गोला। यह गोला जो जीवन का घर है, हर दिन हर पल अपनी धुरी पर घूमता रहता है। यह हजारों मील प्रति घंटे की रफ्तार से घूमता रहता है। इस गति को हम महसूस नहीं कर पाते, लेकिन यह निरंतरता हमारे जीवन का आधार है। हमें यह नहीं लगता, यह बहुत तेज गति। हम अपने दैनिक जीवन में इतने व्यस्त होते हैं कि इस गति का एहसास ही नहीं होता। हम अपनी जिंदगी में, अपनी चिंताओं में, अपने सपनों में बहुत व्यस्त हैं। हम अपने काम, परिवार और भविष्य की योजनाओं में खोए रहते हैं। लेकिन क्या हो अगर सिर्फ 10 सेकंड के लिए ये रुक जाए? यह विचार ही हमें हिलाकर रख देता है। ये कोई खाली दिमाग का खेल नहीं है, यह एक गंभीर सवाल है जिसके परिणाम बहुत ही भयानक हो सकते हैं। दस सेकंड्स, यह समय अंतराल ब्रह्मांड के समय के हिसाब से कुछ भी नहीं है, लेकिन हमारे लिए यह समय बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन हमारे लिए यह ऐसी अराजकता लाएगा जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। यह हमारे जीवन को पूरी तरह से बदल सकता है। भौतिक विज्ञान के नियम टूटेंगे नहीं, बल्कि अपने सबसे विनाशकारी फॉर्म में सामने आएंगे। यह हमारे लिए एक चेतावनी है। कल्पना कीजिए, अगर आप कर सकते हैं तो उस उलटी गिनती की घड़ी की जो नीचे गिर रही है। हर सेकंड हमें एक नई सच्चाई के करीब लाता है। हर सेकंड हमें एक ऐसी सच्चाई के करीब लाता है जिसे हम मुश्किल से ही समझ सकते हैं। यह हमें सोचने पर मजबूर करता है। यह ऐसा ख्याल है जो दिल दहला देता है, उस नाजुक संतुलन की याद हटाता है जो हमारी दुनिया को थामे हुए है। यह संतुलन ही हमारे एग्जिस्टेंस का आधार है। घड़ी शून्य पर पहुंचती है, सब कुछ चलता रहता है, लेकिन पृथ्वी नहीं, जड़त्व। यह सिर्फ भौतिक विज्ञान की किताब का शब्द नहीं है। यह एक ऐसी शक्ति है जो इमारतों को गिरा देती है, कारों को उड़ा देती है, लोगों को अज्ञात में फेंक देती है। उस दहशत की कल्पना कीजिए, आपके नीचे की जमीन जो इतने समय से ठोस थी अचानक आपको धोखा देती है। वॉलिन मिसाइल बन जाती है। खुद हवा जो अब पृथ्वी के घूमने से साथ नहीं घसीटती, एक गर्जती हुई हवा बन जाती है जो जमीन को चीर देती है। 10 सेकंड्स, इस नई वास्तविकता में एक इटर्निटी। फिर अचानक पृथ्वी वापस गति में आ जाती है, लेकिन हमारी दुनिया, हमारी सुरक्षित और अनुमानित दुनिया चली गई है। महासागर जो अब पृथ्वी के घूमने से नियंत्रण में नहीं है, अपना कहर बरपाते हैं। सुनामी गगनचुंबी इमारतों से भी ऊंची गहराई से उठती है। समुद्र तट जो कभी हलचल भरे शहरों और शांत कस्बों का घर हुआ करते थे, पूरी तरह से निगल लिए जाते हैं। उस पानी की कल्पना कीजिए, विनाश की एक कठोर दीवार जो अंदर की ओर दुर्घटनाग्रस्त हो रही है। कोई चेतावनी नहीं, बचने का कोई समय नहीं। प्रकृति की क्रूर शक्ति अपने सबसे भयानक फॉर्म में सामने आई है। लाखों, शायद अरबों पलक झपकते ही मर जाते हैं, और पानी जितनी जल्दी आया था उतनी ही जल्दी कम हो जाता है, अपने पीछे अकल्पनीय तबाही का निशान छोड़ जाता है। भाग 4, जब हवा हथियार बन जाती है। वायुमंडल भी उन्माद में आ गया है। एरेम किसी भी तूफान से भी तेज दुनिया भर में चक्कर लगा रही है। जंगल समतल हो गए हैं, पहाड़ नंगे हो गए हैं। जिस हवा में हम सांस लेते हैं वह एक हथियार बन जाती है। उस आकाश की कल्पना कीजिए जो कभी सुकून और आश्चर्य का स्रोत था, अब मलबे और रोष से काला है। एरेम राक्षसों की तरह गरजती है, अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को चीरती हुई, और फायर, टूटी हुई गैस लाइनों और गिरी हुई बिजली की केबलों से प्रज्वलित, वे अनियंत्रित फॉर्म से भड़कती हैं। हवा में ही ऊर्जा की गड़गड़ाहट होती है, हवा और आग का एक घातक डांस। भाग 5, एक असंतुलित वर्ल्ड। यह एक ऐसी दुनिया है जहां संतुलन खो गया है और हम इसके परिणामों का सामना कर रहे हैं। 10 सेकंड खत्म हो गए हैं, लेकिन नतीजे अभी शुरू ही हुए हैं। समय की यह गिनती केवल एक प्रतीक है, एक चेतावनी कि हम कितने करीब हैं उस बिंदु के जहां से वापसी संभव नहीं। पृथ्वी की नाजुक जलवायु प्रणाली अस्त व्यस्त हो गई है, नियंत्रण से बाहर हो गई है। तूफान, बाढ़ और सूखे अब सामान्य हो गए हैं, और हम इन चरम मौसम की घटनाओं के बीच फंसे हुए हैं। तापमान में बदलाव आम बात हो जाती है, एक दिन ठंड, अगले दिन गर्मी की लहरें। यह अस्थिरता हमारे जीवन को प्रभावित कर रही है, हमारे स्वास्थ्य को खतरे में डाल रही है। बर्फ की चोटियां खतरनाक दर से पिघलती हैं, जिससे जो थोड़ी बहुत जमीन बची है वह भी बार की चपेट में आ जाती है। समुद्र का स्तर बढ़ रहा है और तटीय शहर डूब रहे हैं। उस सूरज की कल्पना कीजिए जो कभी जीवन का स्रोत था, अब एक क्रूर अत्याचारी है। उसकी किरणें अब लाइफदायिनी नहीं बल्कि विनाशकारी हैं। आसमान जो कभी नीला हुआ करता था, अब राख और धूल से भरा हुआ है। प्रदूषण ने हमारे वातावरण को काला कर दिया है, और स्वच्छ हवा एक दुर्लभ वस्तु बन गई है। पृथ्वी जो कभी हमारा पालन पोषण करने वाला घर थी,
अब एक शत्रुतापूर्ण विदेशी दुनिया बन गई है। ये एक ऐसी जगह है जहाँ जीवन जीना मुश्किल हो गया है, और बचे हुए लोगों का क्या होगा? वे संहोमश कर रहे हैं, जीवित रहने के लिए जूझ रहे हैं। उनके पास संसाधन कम है और आशा की किरणें धुंधली हो गई हैं। बिखरे हुए, आघातग्रस्त, वे हमेशा के लिए बदली हुई दुनिया में एक अनिश्चित भविष्य का सामना करते हैं। यह एक ऐसी दुनिया है जहां हर दिन एक नई चुनौती लाता है और हर कदम एक संघर्ष है। भाग 6, लंबी खामोशी या अराजकता की वापसी। फायर ये क्या होता है? क्या यह एक नई शुरुआत है या अंत का संकेत? क्या पृथ्वी अपने संक्षिप्त विराम के बाद फिर से घूमना शुरू कर देती है, या यह ठहराव स्थायी हो जाता है हमें एक अनिश्चित भविष्य की ओर धकेलते हुए, या हम एक स्थायी ठहराव में रह जाते हैं जहां समय और गति दोनों ही रुक जाते हैं? एक तरफ सूरज की चिलचिलाती गर्मी जो जीवन को असहनीय बना देती है, दूसरी तरफ अंधेरे में जमा हुआ जहां ठंड से सब कुछ जम जाता है। परिदृश्य समान फॉर्म से धूमिल है, जीवन के कोई संकेत नहीं, केवल वीरानगी और साइलेंस। फिर से घूमने से उम्मीद की एक किरण मिल सकती है, एक नई शुरुआत का संकेत, ग्रह के ठीक होने का मौका मिल सकता है, प्रकृति फिर से जीवित हो सकती है, जंगल फिर से हरे भरे हो सकते हैं। लेकिन उन 10 सेकंड के निशान बने रहेंगे, समय की उस छोटी सी अवधि ने सब कुछ बदल दिया। हमारी नाजुकता की एक भयावह याद हटाते हुए यह हमें याद हटाएगा कि हम कितने असुरक्षित हैं, या शायद केवल सन्नाटा ही रहता है। एक खामोश स्थिर पृथ्वी जहां कोई हलचल नहीं, एक यूनिवर्सीय चूक का स्मारक। यह हमें ब्रह्मांड की विशालता और हमारी छोटी सी जगह की याद हटाता है, ब्रह्मांड की शक्ति और हमारे एग्जिस्टेंस की अनिश्चितता का एक भयावह टेस्टमेंट। यह हमें बताता है कि हम कितने छोटे और असहाय हैं। किसी भी तरह से एक बात तो साफ है, यह घटना हमें हमेशा के लिए बदल देगी। वे 10 सेकंड सब कुछ बदल देंगे। यह एक नई शुरुआत या